क्या खूब कहा है किसी ने, कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, निकलेगा जरूर रास्ता। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीना नानकानी, सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी। एक पंडित जी समुद्री जहाज से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक रात तूफान आने से जहाज को एक द्वीप के पास लंगर डालना पड़ा। सुबह पता चला कि रात आए तूफान में जहाज में कुछ खराबी आ गई है। जहाज को एक दो दिन वहीं रुककर उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। पंडित जी ने सोचा क्यों ना एक छोटी सी बोट से द्वीप पर चलकर घूमा जाए, अगर कोई मिल जाए तो उस तक प्रभु का संदेश पहुंचाया जाए और उसे प्रभु का मार्ग बताकर प्रभु से मिलाया जाए। तो वह जहाज के कैप्टन से इजाजत लेकर एक छोटी सी बोट से द्वीप पर गए। वहां इधर उधर घूमते हुए तीन द्वीप वासियों से मिले, जो बरसों से उसे सोने द्वीप पर रहते थे। पंडित जी उनके पास जाकर बातचीत करने लगे। उन्होंने उनसे ईश्वर और उनकी आराधना पर चर्चा की। उन्होंने उनसे पूछा क्या आप ईश्वर को मानते हैं? वे सब बोले हाँ। फिर उन्होंने पूछा आप ईश्वर की आराधना कैसे करते हैं? उन्होंने बताया हम अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं हे ईश्वर, हम आपके हैं, आपको याद करते हैं, आप भी हमें याद रखना। पंडित जी ने कहा यह प्रार्थना तो ठीक नहीं है। एक ने कहा तो आप हमें सही प्रार्थना सिखा दीजिए। उन्होंने उन सबको धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और प्रार्थना करना सिखाया। तब तक जहाज बन गया। पंडित जी अपने सफर पर आगे बढ़ गए। 3 दिन बाद पंडित जी ने जहाज के डेक पर टहलते हुए देखा वह तीनों द्वीपवासी जहाज के पीछे पीछे पानी पर दौड़ते हुए आ रहे हैं। उन्होंने हैरान होकर जहाज रुकवाया और उन्हें ऊपर चढ़वाया। फिर उनसे इस तरह आने का कारण पूछा। वे बोले आपने हमें जो प्रार्थना सिखाई थी हम उसे अगले दिन ही भूल गए, इसलिए आपके पास उसे दोबारा सीखने आए, हमारी मदद कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, पर यह तो बताओ तुम लोग पानी पर कैसे दौड़ सके? उसने कहा हम आपके पास जल्दी पहुंचना चाहते थे, सो हमने ईश्वर से विनती की, मांग की और कहा हे ईश्वर दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना और बस दौड़ पड़े। अब पंडित जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा आप लोग और ईश्वर पर आपका विश्वास धन्य है, आपको अन्य किसी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, आप पहले की तरह ही प्रार्थना करते रहे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईश्वर पर विश्वास और आराधना प्रणाली से महत्वपूर्ण है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।